चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में चार नवजात शिशु की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अस्पताल के SNUC वार्ड में नवजात की मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि 6 बच्चों को वेंटिलेटर में रखा गया था, जिनमें से 2 सामान्य बच्चों की मौत हुई है और 2 बच्चे अत्यधिक गंभीर अवस्था में पाए गए हैं, जिनकी मौत हो गई है। इन बच्चों की मौत के संबंध में बिजली गुल होने से नहीं हुई है। तो वहीं 4 बच्चों की SNUC वार्ड में मौत को देखते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर अस्पताल प्रबंधन सहित स्टाफ नर्सों की लापरवाही बरतने का आरोप उन्होंने लगाया है और कार्रवाई करने की भी बात कही। रात भर कंटिन्यूस रहा है, कहीं कोई ट्रिपिंग नहीं थी। हाँ, इनका इलेक्ट्रिशियन जो MCH बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन है, वो बता रहा था कि उनके पैनल में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो जिसके कारण एक वायर उनका पैनल से गड़बड़ हो गया था। उसको ठीक करने में उनको 1 से 1.5 घंटा लगा, उसके बाद बिजली सामान्य हो गई थी। 4 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की सूचना मिली थी। हम लोग आए यहाँ पर, डीन से बातचीत हुई है और अंदर भी मैं ICU के अंदर गया, देखा सब कई बच्चे क्रिटिकल आए हैं अभी भी। मुझे लगता है कि जो विषय आया था कि यहाँ पर बैकअप नहीं मिला, और ये बात सत्य है कि बैकअप के बिना बहुत देर तक वेंटिलेटर काम नहीं करता है, एक लिमिटेड समय रहता है उसका। SNUC के 2 हिस्से होते हैं, उसको मिला के 48 बच्चे हैं दोनों में, लेकिन उसमें से जो SNUC में जो एकदम नवजात और क्रिटिकल वाला पार्ट है, उसमें भी 2 बच्चे जो वेंटिलेटर में हैं, उसमें से 2 बच्चे अभी भी गंभीर हैं और उनका इलाज बिल्कुल निरंतर रखा जा रहा है और निगरानी की जा रही है। बेड में जो फ्लक्चुएशन आ रहा था, उसमें MBC क्या बोलते हैं उसको, KMC, तो बच्चों को क्या होता है कि जब थोड़ा सा जिनको ठंड लगती है तो उनको मार्सुपियल केयर के लिए परिजनों को बुलाया जाता है। तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी बता रहे थे कि कुछ मदर्स को बुलाया गया था, ये भी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, क्योंकि मदर्स के आ जाने से क्या है, बच्चा थोड़ा सा कोजी भी फील करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली के जाने की वजह से ऐसा होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है।